बात करते हैं वापस हम रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस में ही एक और एग्जांपल हमारे लिए, रेजोनेंस रेजोनेंस इन फ्री रेडिकल वर्सेस डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इस जगह किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच का और फ्री रेडिकल क्या करेगा, डेफिशिएंट का। ये बात तो हमारे लिए तय है। हम इसको समझते हैं ऐसे, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है फ्री और यहाँ हमारे पास एक तरह से डबल बॉन्ड है। आ रही है बात समझ में? तो ये तो डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच दोनों हो सकता है। अब होगा क्या यहाँ पर कि ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इस तरह से टूट रहा है, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहला रही, लेकिन समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे को। ये बॉन्ड टूट गया, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ले लिए। अब अगले स्टेप में आपके पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड अब इस तरफ बन जाएगा इन दोनों के बीच में और यहाँ क्या हो जाएगा, दस ऐसे होगा। तो हम जब रेजोनेंस समझाते हैं तो हम इसको ये वाली तो बना ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया रेजोनेंस के अंदर पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हम इसको ऐसे बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, सिर्फ हाफ ही एरो यूज करते हैं क्योंकि आधा आधा गया है ना, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया। तो हमें पहली बार थ्री कर्व एरो की जरूरत पड़ रही है, एक इधर एक इधर एक इधर, समझ में आ रहा है। कार्बो एनायन और डबल बॉन्ड के केस में डबल एरो की जरूरत थी, कार्बो कैटायन और डबल बॉन्ड के बीच में, कार्बो कैटायन डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल एरो से काम चल रहा था, यहाँ तीन। लेकिन अंतर है, ये मैं सारे एरो हाफ हाफ कर दूंगा क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हुआ है। डबल का मतलब फुल का मतलब दो इलेक्ट्रॉन और हाफ एरो का मतलब दस। तो ये हमारे पास हो जाएगा और फाइनली हम डायरेक्ट अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे और वो कुछ इस तरह की होगी। और ये फ्री रेडिकल जो इस कार्बन पे था अब वो इस वाले कॉर्नर पे आ गया जो लेफ्ट था राइट पे था। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगी, ये होगी आपके हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो यहां पर कैसे करोगे, डॉट डेल्टा डॉट डेल्टा, कभी यहां कभी यहां, अल्टरनेट पोजीशन पे जाएगा, यस और नो? तो क्या डेफिनेशन बनेगी, व्हेन फ्री रेडिकल, लिखिए फ्री रेडिकल, ब्रैकेट में लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, व्हेन फ्री रेडिकल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशंस, देन रेजोनेंस टेक प्लेस। तो ये हमारे पास होगा, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं। आज अगर हमारे पास ये है, यहाँ डॉट है, डॉट है यानी फ्री रेडिकल है, तो आप क्या रेजोनेंस ला सकते हो? हाँ। इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जल्दी से बताओ, पाँच, फिक्स है, कार्बोकेटायन हो या फ्री रेडिकल हो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या दिखेगी आपको, सेम। और कभी ये यहाँ, तो कुल मिला के इसको बनाना बहुत अजीब सा रहेगा लेकिन बना लोगे आप, एक इधर ये इधर और ये इधर इस तरफ से। तो आपकी पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी, अब ये डॉट यहां आ गया, सेम ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ। तो आपकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वो भी बहुत इजी रहेगी, और अब डॉट यहां आ गया। फिर तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो
आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। फिर चौथी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी जो जाएगी यहां फोर्थ नंबर की, और फिफ्थ वापस आपके पास 1 2 3 4 5, और फिफ्थ आपके पास वापस रिपीट हो जाएगी। ये वाला आपके पास इधर जाएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा, और ये हाफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा। तो कुल मिला के आपको यही रिपीट मिल जाएगी, और आपकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगी वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपके लिए बनेगी यहाँ पर फाइनली। डॉट 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 पॉइंट डेल्टा पॉइंट डेल्टा पॉइंट डेल्टा पॉइंट डेल्टा और ये पॉइंट डेल्टा, ये आपके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी। या पूरा बना के पॉइंट शो कर दो अंदर। तो बनाए इन सबको।